बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास कंप्यूटर चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है डेटा एंड प्राइवेसी के बारे में। ये चैप्टर बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ लें। डेटा ट्रांसफ़र, कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, किसी को डेटा सेंड करते हैं, किसी को भेजते हैं, किसी से मंगवाते हैं, तो उस डेटा को सिक्योर करना, आपके सिस्टम में जो डेटा है उसको सिक्योर करना, उसके मिसयूज़ से उसको बचाना, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में ये चैप्टर है आपका। डेटा और प्राइवेसी, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको इन चीज़ों से बचा के रखना। तो इसमें हमारे SLOs क्या क्या हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, सिंपल इंक्रिप्शन या इंक्रिप्शन विद कीज पासवर्ड, साइबर क्राइम, ये हैं हमारे SLOs जो हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। ये इंट्रोडक्शन है इसका। कंप्यूटर आर एबिकिटस एंड आर वाइल्डली यूज बाई पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एजेस, तकरीबन हर एज के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको कैसे आपने सेव करके रखना है, आपके ईमेल अकाउंट, शॉपिंग ऑनलाइन, जो जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने कैसे, वो क्या क्या होती हैं और क्या क्या उनके काम हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सोसाइटी में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी आपके, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल सिक्योरिटी सिस्टम इज़ फॉर्मड ऑन एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या आता है जी, एथिकल इश्यूज आपके डाटा सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से हैं, कॉन्फिडेंशली एंड प्राइवेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट एंड स्पॉटेज। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये है क्या चीज़। कॉन्फिडेंशली प्राइवेसी, टू कीप द डाटा ऑफ अदर एंड एज कॉन्फिडेंशियल इज़ नीडेड टेकिंग केयर ऑफ अदर, के आप लोगों के पास अगर किसी का डाटा है, आप किसी मकसद के लिए आपने उसको कलेक्ट किया है, तो आप उसको किसी और यूज़ या किसी और लोगों से डेटा को सेफ रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है जी, इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन विद माई बिजनेस कंपिटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस। मसलन वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि अगर मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं अपना बैंक के थ्रू सारा लेन देन का मामलात करता हूँ कि मैंने ये जो मटेरियल है ये कितने का लिया, अगर मेरे कंपिटिटर्स जो हैं उनको पता चल जाए तो वो मेरे बिज़नेस के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है, वो अगले पर्सन को जाके कुछ और इसकी रेट लगा सकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यानी कि अगर आपके पास आप कोई अदारा चला रहे हैं, आपने किसी मकसद के लिए किसी से कोई डाटा कलेक्ट किया है, तो उस डाटे को सिर्फ अपने तक ही रखेंगे कि किसी और कोई जैसे अगर उसको ले यूज़ करे तो वो उसके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। तो ये इसी के रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो इसमें कैसे कैसे फ्रॉड होता है और क्या क्या लोग काम करते हैं, ये आप इसको रीड करेंगे एक दफ़ा। नेक्स्ट है जी प्राइवेसी। प्राइवेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज, यानी कोई भी चीज़ आपने कोई बनाई है तो उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉपी करके वो अपने नाम से उसको सेल कर रहा है। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवीज़, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर, इस तरह की ये चीज़ें। मसलन आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप अभी बना के उसको सेल भी नहीं किया या कर लिया एक दो कॉपी, तो कोई और उसको चुरा के अपने नाम से या अपना नाम उसमें लिख के वो खुद सेल कर ही जा रहा है उसको। तो इस चीज़ को बचाने के लिए ये प्राइवेसी है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज़ अ लीगल कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन, के जिसके पास उसको फिर किसी चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है, वो क्या है, वो मीन सॉफ्टवेयर की कोई कीज़ हो सकती है या कोई ऐसा कोई भी काम जिससे जिसके पास वो कीज़ होगी, इट मीन कि उसने उसको बाय किया है, देन ही वो उसको यूज़ कर सकेगा और वो ओरिजिनल
जिसने वो बनाया है तो वो कीज तो उसी के पास होगी, तो वो उसको फिर वो यूज़ कर सकता है। एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर की या कोई भी इस तरह का कोई भी मटेरियल है, ये डिटेल में आप लोग इसको इसको इसके जो पॉइंट है इसको पढ़िएगा, ये किस किस चीज़ से है। ऑनलाइन प्राइवेसी, कॉन्फ्रेंसिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, तो ये सारे के सारे इसी में आते हैं। वो आपको इंस्टॉलिंग, ये इतना डिटेल में इसका जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये टॉपिक बस लिमिटेड सा है। इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, यानी आपने अब एक सर्वर से कुछ लिमिट्स ली है उससे कि आपने उसको यूज़ करना है, लेकिन उन्होंने आपको लिमिट्स लगा के दी है जी ये इतना। अगर आप उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो ओवर यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसान होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन प्राइवेसी, कोई डाउनलोडिंग लीगल सॉफ्टवेयर, यानी कोई सॉफ्टवेयर है वो कुछ वेबसाइट्स हैं उनको पे करना पड़ता है, तो उससे तो आप उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं क्रैक लगा के या किसी और तरीके से, वो तो वो भी सारा क्या है ये इसके यूज़ में ही, डाटा प्राइवेसी में ही आ जाता है। नेक्स्ट है जी फ्रॉड एंड मिसयूज़, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ से बचना भी है। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, सम अनऑथराइज एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस, सम ऑफ दीज इंक्लूड थीफ ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कंप्यूटर के ऊपर आपको आता है जी आपका ये प्राइस बॉन्ड निकला है, आपको ये इतना गिफ्ट दिया जाएगा, यू वॉन अ प्राइस, तो आप उसको लेने के चक्करों में आप बैंक अकाउंट्स डिटेल जो हैं वो सारी ऊपर दे देते हैं, या मोबाइल अकाउंट्स की डिटेल दे देते हैं, तो जिसके नुकसान में आपको ये जिसके लिए आपको ये नुकसान उठाना पड़ता है कि आपके वो पैसे जो पहले भी अंदर हैं वो भी सारे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इससे बचना है। नेक्स्ट आता है जी पेटेंट। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, आपने कोई किसी फील्ड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसके जो आइडियाज़ हैं आप अगर किसी से शेयर कर लेते हैं तो वो आपसे पहले वो अप्लाई उसको कर देता है, तो वो आपके लिए नुकसान है। तो इट मीन्स उसको रजिस्टर्ड करवाना, जैसे आप रजिस्टर करवा लेते हैं फिर वो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है जी कॉपीराइट। कॉपीराइट कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो जिसको आप अपने नाम से इशू करवा रहे हैं, उसको कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, तो उसको आपने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाना है, करवा लेते नहीं करवाया हुआ उसको कोई और यूज़ कर रहा है, तो ये कॉपीराइट का इशू है। फ्रॉम पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडियाज़ आर प्रोडक्ट एंड नॉट बी कॉपीड, कि उसको फिर कॉपी करना, उसकी कॉपी बनाना वो फिर जुर्म होगा और उसकी पनिशमेंट भी है, उसका फाइन भी है। द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट एज शोन इन दिस, अक्सर चीज़ों के साथ ये सिंबल इस्तेमाल हुआ होगा, इट मीन्स आप इसको विदाउट परमिशन यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑफ यू आर रीडिंग इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, मीन कि आप जो ये बुक पढ़ रहे हैं इसके स्टार्ट पे या एंड पे कॉपीराइट का सिंबल लगा हुआ है। कोई भी ऐसा कोई मटेरियल है, आप यहाँ आईटी सीरीज़ की देख लेते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे कॉपीराइट का है, हाई कोर्ट की परमिशन है कि आप इसको विदाउट परमिशन सेल अपने नाम से या इसकी कॉपी बना के इसको सेल नहीं कर सकते, वो जुर्म है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या है जी? ट्रेड सीक्रेट यूजली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी के को कामयाब होने के उसकी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको सीक्रेट में रखना लाजमी है। मीन के यहाँ पे मैं आपको एक बताता चलूँ, इसकी एग्जाम्पल मैं बताता चलूँ, लेकिन इसमें नहीं है, मैं आपको खुद से बताता चलता हूँ कि जैसे कोक बनाने वाली कंपनी है, पेप्सी बनाने वाली कंपनी है, अब उसका जो फार्मूला है वो उन्होंने सीक्रेट में रखा हुआ है, कि अगर वो फार्मूला किसी और को पता चलेगा वो तो अपने नाम से उसको बना के बेचना शुरू कर देगा। तो सीक्रेट्स में कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें रखना होती हैं कि जिससे वो कंपनी सक्सेसफुल होती, जिस वजह से होती है, अगर वो हर किसी को पता चलेगा तो वो उसकी वो जो सीक्रेट है वो लोगों को पता चलेगा तो वो नुकसान में जाएगी।
नेक्स्ट आता है जी स्पोटेज। स्पोटेज इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सम मैलिक्यूस यूजर कैन अटैक द सिस्टम वाइल स्टिंग रिमोटली। रिमोटली वो कंप्यूटर आपके सिस्टम को अटैक करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर, यानी आपको फ्री सॉफ्टवेयर या गेम्स की लालच दे के वो चीज़ उस सॉफ्टवेयर के साथ आपके कंप्यूटर में इंटर करवा देते हैं। आप उसको खुद डाउनलोड करते हैं एक किस्म का, और जैसे ही आप उसको सॉफ्टवेयर को या गेम्स को इंस्टॉल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है, और जो अंदर नुकसान जिसको मिस यूज़ की इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं वो फिर वो काम करता है। उसमें क्या क्या हो सकता है इसमें नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वो आपका पर्सनल डाटा कॉपी भी कर सकता है अब विदाउट परमिशन आपके, उसमें उसको डिलीट भी कर सकता है, आपके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब भी कर सकता है, आपके सिस्टम की वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा, या ऊपर विदाउट परमिशन ऊपर मैसेजेस शो करवाएगा, तो जिससे वो आपका नुकसान होगा, आपको सिस्टम को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंस्ट्रक्शन इंटेंशन। मीन के वायरस भी एक किस्म का प्रोग्राम है, लेकिन उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो गलत दी जाती हैं। उसको सही काम करने की बजाय उसको कहा जाता है कि तुमने ये उल्टा काम करना है, ये काम डिलीट करना है, इसको इस तरह नुकसान पहुंचाना है। होता वो भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही है। इट कैन चेंज डिस्ट्रॉय एंड इंफॉर्मेशन और आर वोटेज आ प्रीशियस डाटा, आपका जो कीमती डाटा है उसको नुकसान कर देता है, हार्ड डिस्क को क्रैश कर देता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शंस गलत दी जाती हैं। ये वायरस की डेफिनेशन है, ये भी बेटा आपने याद करनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी, इसका आपने छोटे छोटे से पॉइंट बना के याद कर लेने हैं। आपको ये एग्जाम्पल्स यहाँ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।